साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, कल खेत की तैयारी कर दी थी पूरी, और आज भाइयों इस खेत में जो है 75 गेहूँ की कटाई के बाद गन्ना बुआई होगी। तो सुबह सुबह आगे अपना खोड़ निकालने शुरू कर दिए। 44 इंची पर हमने अपना ट्रेंचर कर रखा जी, और इसमें जो है इधर जो है खेत में पानी टूट गया था, देख लो इधर 4-5 खूड का जो है बिल्कुल बेकार हो गया काम। तो भाइयों 1/3 पोर्शन लिया जा रहा 0238 और 15023 भी थोड़ी सी बात हो रही फार्म से दोड़ा मिल के, कह रहे कि इसे ज़रूर लगा के देखो। तो भाइयों जो अगर टाइम लग गया तो उसे भी लाऊँगा थोड़ा सा, बाकी का अपना 0238 ऊपर का पोर्शन की गन्ना बुआई होगी। तो अब इसमें खूड निकाल रहे हैं और बीज हमारा पर होने लग रहा खेत में, तो इसमें खूड वूड फावले से मिला देंगे, DAP वगैरह डाल देंगे और शाम के समय में करेंगे इसकी बुआई। तो चलो एक बार खूड निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। बताओ बेटा, आज दावत में क्या लोगे, क्या खाओगे दावत में? हैं? समोसा बस। अनन्या बताओ, ठंडा। तुम तो मंदे वाली हो सारे। तो भाइयों गन्ने की बुआई करवाने के लिए आई दोनों, अनन्या भी और वन्या भी। अरे देख लो बोतल में पानी ले रही है अपना साथ में। तो अब अपना टीम आने वाली थोड़ी सी, उससे बाद में काम हो जाएगा शुरू। बाकी का भाइयों गन्ने का बीज जो है 1/3 पोर्शन हमने करवाया 0238 गन्ना वैरायटी बोओगे, तो आज बुआई भी करेंगे। काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज भी आ रहे, फ़ोन भी आ रहे, तो भाइयों फ़ोन भी अटेंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख लो जी इस तरीके से निकलवा रहे। तो भाइयों अपना किसान जो है वो खेती में बदलाव करो, चाहे कोई मकान चाहे कोई गाँव में किसी भी तरीके का अच्छा काम हो, ये अपने वीडियो इसी तरीके की आती है। देसी गोवंश, अपने बैल, अपने बड़ों की परंपरा, उसका सबसे पहले तो दोई पोरी काट रहा बस तड़ेगी। ये देखो भाइयों इस तरीके से बीज करा जा रहा, कैक पूरी होगी ताऊ नो। तो भाइयों एक बार बीज भर ले, बाकी का आप देखो आपको कैसा लगा कमेंट करियो और बताइयो भाई। ठीक है जी, नमस्कार भाइयों। गन्ना बुआई जो है अपना जो परंपरागत तरीका है हमारा, हम पिछले 6-7 साल से ट्रेंच से पहले मतलब इसी तरीके से गन्ना बोते थे, साबत गन्ना डाल दिया। ये देख लो बीच में खोड़ में जो है बुग्गी में अपना बीज रखा, ऊपर का बीज ले रखा और इसे सीधे पहले तो फला रहे जी। और मैं इधर दिखा दूँ आपको इस तरीके से बलकटी से जो है एक आदमी काटते जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। देखो ये देखो जी, ठीक है जी, इस तरीके से जो है कम आदमी भी ज़्यादा गन्ने की बुआई करता है। DAP साथ में डल रही। अनन्या कहाँ लोग बो गया तेरा खुड़? अनन्या अपना ही खुड़ बो है, चाहे एक बो चाहे दो बो, दो खुड़ लेकर चल रही है अपनी। लोंडिया भी मेहनत बहुत करने लगी, कैसा करेगी पता नहीं। पार कर दिए दोनों,
जो सबसे पहले खोड को पूरा करती है, और किसी का खोड को बोने की नहीं, अपने खोड में कंडे ढोगी दूध। लो दो ले, एक ले रही दिखा दो, यो एक ही खोड ले रही। अच्छी है। तो भाइयों हमने जो है सारे खोड जो है इसमें 40 खोड है, तो 23 खोड ले लिए अधम तक, क्योंकि हमारे बीज भी 30 की पूरी हुई थी आधी आधी, तो यहाँ तक देख रहे। बाकी हमारा जो ताऊ है वो छोल में है, उनका 2-3 पूड़ी और बना लो, और कोई आफत नहीं है। कल को संडे है, बाकी का कल बोऊंगे, और जितने खोड यहाँ तक होंगे कंप्लीट कर लेंगे। और इस खेत में जो है मैं कोई दवाई नहीं डाल रहा, ये भी अलग सा बिल्कुल DAP डाल रहे बस, और गन्ना बुआई कर रहे, बाकी की आगे देखेंगे जो भी कुछ करना होगा। और एक खेत मैंने 13235 का भी ऐसा ही बोया जिसमें DAP डाली, बस दवाई नहीं डाली। तो भाइयों ऐसा भी देखना चाहिए कि एक खेत में हमने 2-3 में दवाई लगाई और बाकी में नहीं लगाई, वो भी अंतर का पता लगेगा। भाइयों आज जो है देखो सांझ के समय में हमारी 15 खूट रह गए थे, बीज कम रह गया था, तो छोला आ लिए, बीज होने लग रहा। और भाइयों बारिश पड़ रही है आज हल्की हल्की, सुबह से ही, रात से ही मौसम ख़राब है, तो झारा सा पड़ रहा। तो परली तरफ से मिट्टी उट्टी जहाँ पर रह रही थी वो करी, एक डोली निकाल ली। अब यहाँ पर साइड में जो है एक खूड और यहाँ रास्ते के इसमें बनाना पड़ रहा, और ये मिट्टी काटनी पड़ रही बाहर, क्योंकि इसमें पानी नहीं आने का, फिर ऊंचा हो रहा। तो अब 8-10 पुड़ी बनवा के इसे बो के पानी चलाते हैं साथ के साथ, सूखे में बो रखा। पानी ना चढ़ता इसमें, फिर परेशान रहते। तो भाइयों 10 फूट रह रहे थे, बो दिए साथ के साथ मिट्टी कर दी, और परली तरफ जो है कह रहे हम पानी भी चला दिया। ए क्या चला रखा, क्या चला रही रेल? तो भाइयों गन्ना बोई हो गया आज पूरी, और थोड़े से गन्ने बच रहे, कल लास्ट की ट्रॉली भरी जाएगी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करना, बताना। नमस्कार।